ऐसे दरख्त ना मोस्टली होते हैं जो हॉरर मूवीज नहीं होती उनमें देखने को मिलते हैं, इतने बड़े बड़े। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो सीन कुछ ऐसा है कि पसीना आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी गर्मी है आज। आजकल ना गर्मी हो गई है तो बाहर जाने को ना दिल नहीं करता। तो मैं आया हूँ जी एक फ्रैंकफर्ट के साथ, ना एक शहर है बाट हामबुर्ग के नाम से, वहाँ पे मुझे छोटा सा काम था, काम मैंने फिनिश किया है अभी। तो मैंने सोचा इस शहर को भी थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करते हैं। मैंने एक दफ़ा देखा हुआ है, ठीक है, और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं। काफ़ी प्यारा शहर है ये, मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। लेट्स गो। अच्छा, अभी हम यहाँ का जो मेन सेंट्रल शॉपिंग एरिया है वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक ओल्ड सिटी भी है। यहाँ पे क्या होता है कि जर्मनी में हर सिटी में एक ओल्ड सिटी होता है, वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और आपको ये शॉपिंग सेंट्रल एरिया भी दिखाते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये सारा सिटी सेंट्रल एरिया है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं जी, यहाँ पे एक हॉस्टल भी है और एक चर्च भी है, तो चलते हैं वहाँ पे, आप लोगों को वो दिखाता हूँ मैं। ये मेरे पीछे हॉस्टल है, ठीक है, चलते हैं वहाँ पे अंदर और जाके हिस्ट्री वगैरह देखते हैं इसकी और हॉस्टल भी देखते हैं। और ये एक दरख्त मुझे नज़र आया यार, इतना बड़ा दरख्त है ये चेक करें भाई साहब, कितना ही कुछ पुराना दरख्त है। वो इसकी शाखें देखें यार, कहां कहां तक फैली हुई हैं। अरे भाई साहब, ऐसे दरख्त ना मोस्टली होते हैं जो हॉरर मूवीज नहीं होती उनमें देखने को मिलते हैं, इतने बड़े बड़े और इन पे जिन भूत रहते होते हैं। तो यार ये कितना बड़ा है यार, इसकी शाखें देखें कहां कहां तक फैली हुई हैं। कितना बड़ा दरख्त है। अच्छा, ये उनके हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ये इनको प्रोटेक्ट करता होता था, अगर जंग वगैरह लग जाए ना तो बम वगैरह अगर फेंकते हैं या गोलियां वगैरह मारते हैं तो इस पे आग लगती हैं, जिसकी वजह से मतलब कि काफ़ी प्रोटेक्शन होती थी उनको, ये फ़ायदा था उनके लिए और ये काफ़ी बड़ा है। तो अभी चलते हैं कास्टल के अंदर, लेट्स गो। अच्छा, ये कास्टल काफ़ी पुराना है, ठीक है, ये 12वीं सदी में बना था। पहले ये गार्डन हुआ करता था, इसको आग लग गई थी, आग की वजह से ये सारा ख़त्म हो गया था। फिर इन्होंने 14वीं सदी में इसको दोबारा बनाया था। तो अभी ये बिल्कुल ओपन है पब्लिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंदर म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम में तो मैं कुछ ख़ास मुझे शौक़ नहीं है म्यूज़ियम में जाने का। तो अभी ये दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा व्यू है वो दिखाते हैं और फिर चलते हैं आपको यहाँ का चर्च दिखाते हैं। ये
ये यहाँ पे झील है एक, ठीक है, और वो सामने पहाड़ है। और ये सारा कास्टल है। अच्छा, मैंने ना जितने भी कास्टल वगैरह देखे हैं ना, वो ऊंचाई पे होते हैं। उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि ये पहले जो लोग वगैरह रहते होते थे ना, उनको डर होता था जंग वगैरह का, ठीक है। अगर जंग वगैरह लग जाए ना, तो हार्ट पे एक एडवांटेज होता है बंदे के पास, तो ईज़िली बंदा जो नीचे होता है तो उसको ईज़िली मार सकता है। तो यही सीन है कि जो कास्टल वगैरह होते हैं वो ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई जंग वगैरह लगती है, कोई कुछ भी होता है, तो बंदा सेफ रहता है यहाँ पे। ये सामने चर्च है जी, ये बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, यहाँ पे ना एक घड़ी भी लगी हुई है, इसका टाइम बिल्कुल करेक्ट है। ये 3:30 हो चुके हैं और घंटी बजी है। जब ये 3 या 4 होंगे ना, 4 घंटियाँ बजेंगी। ये सीन है इस घड़ी का, अपना टाइम होता है। लाइक 4 बजते हैं तो 4 घंटियाँ होगी, 5 बजेंगे तो 5 घंटियाँ होगी। तो ये भी सीन सही है। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो भाई पूछने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, ये है जी यहाँ का चर्च, ठीक है। और अभी चलते हैं आगे, यहाँ की स्ट्रीट वगैरह देखते हैं। यार मुझे यहाँ की ना स्ट्रीट्स बहुत पसंद आती हैं, इतनी साफ सुथरी और इतनी प्यारी प्यारी होती है ना। लोगों ने ना जो इनकी विंडोज़ वगैरह होती हैं, खिड़कियाँ वगैरह होती हैं ना, यार इतना प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया होता है उनको। जब बंदा गुजरता है ना तो इतना प्यारा लगता है वहाँ से। तो अभी चलते हैं, यहाँ की स्ट्रीट वगैरह एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चर्च भी है, ठीक है। और मज़े की बात है, उस पर भी एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है। उसका भी बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट टाइम है, ठीक है, वो सामने ऊपर लगी हुई है। और अभी हवा भी चलना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप ये झंडू से देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सूरज पे भी सामने ना थोड़े बादल वगैरह आ रहे हैं, तो शायद कोई बारिश वगैरह का सीन बन जाए तो अच्छी चीज़ है। तो अच्छी बात है, बारिश वगैरह हो जाए। गर्मी में तो बारिशों की ज़रूरत होती है। तो अभी चलते हैं, ये एक बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है मेरे सामने, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा, अभी हम दोबारा सेंट्रल सिटी वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो आगे एक ब्रिज है, ठीक है, वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ना हवा चल रही थी, लेकिन एकदम से फिर दोबारा रुक गई है, एकदम से गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो अभी चलते हैं वापस, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे वहाँ से लेंगे बस, ठीक है, वो जाएगी वहाँ पे मेन स्टेशन पे यहाँ का जो है, ठीक है, वहाँ से लेंगे हम ट्रेन और दोबारा जाएंगे हम फ्रैंकफर्ट वापस। तो अभी चलते हैं, ये तकरीबन 40 से 50 मिनट लगेंगे हमें वापस जाते हुए, तो निकलते हैं। अच्छा, तो जर्मनी में ना हर सिटी की अलग कलर की बसें वगैरह होती हैं। यहाँ पे वाइट कलर की हैं बाड हमबर्ग में, और यहाँ फ्रैंकफर्ट में ये हैं इस कलर की, ठीक है। अभी हम यहाँ से ये ट्रेन लेंगे और जाएंगे वापसी की तरफ। हाँ जी, तो हम पहुँचने वाले हैं जी घर। ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।